यार फालतू कुंजो कहना। मम्मा कल मैं स्कूल से छुट्टी ले, कल ना कंजक है ना। कल छुट्टी ही है बेटा। सच मजा आ गया। ओहो, कल से तू मांगने जाएगी। मम्मा इसको देख लो, फिर मुझे पैसे भी मिलेंगे और मैं तुझे ठेंगा दूंगी। मम्मा मुझे भी बैरो बनना। कोई बुलाएगा तो चले जाना। अरे इतनी सुबह सुबह बालकनी में क्यों बैठी हुई है और रास्ता क्यों देख रही है? इतनी देर हो गई है मम्मी, कोई भी बुलाने नहीं आया। आप अपनी फ्रेंड से पूछ लो ना कि वो आज कर रही है कंजक या कल करेंगे। मम्मी बबीता आंटी ना अभी रेनू के घर गई है बुलाने के लिए, हमारे घर भी ना जल्दी आती होंगी। आप ना जल्दी से मेरी प्लेट निकाल दो, किचन से ले ले अपने आप ले। मम्मी बबीता आंटी ने तो सिर्फ 5 रुपए ही दिए और ये तुमने टिफिन दे दिया, मैं तो नहीं लेके जाऊंगी इसको। आपको पता है उनके घर में ना एक दूसरी आंटी आ गई, उन्होंने बोला हमको ना बड़ी जल्दी जल्दी करना है, सारे बच्चों को ना हमारे घर भेज दो। तो फिर मैं भी चली गई वहाँ पर और फिर उन्होंने पता है कितने रुपए दिए, आप बताओ गेस करो। पूरे 100 रुपए दिए। आप ये प्रसाद खाओ, मैंने रेनू से पूछ के आती हूँ उसकी कितनी कमाई हो गई। मेरा बैग कैसा लग रहा है? इसमें ना मेरे सारे कंजक के पैसे है। 10-10 अलग कर लेती हूँ, 5-5 अलग कर लेती हूँ। मैं कहना ये रबर बैंड ही मिला, कितना अच्छा है ना ये। तेरे कितने पैसे हो गए? मेरे तो 225 रुपीस इकट्ठे हो गए हैं। और अभी तो कल का दिन भी है और कोई कोई लोग ना शाम को भी करता है, तो फिर वो भी मिला के मुझे लग रहा है मेरे ना 500 रुपीस हो जाएंगे। तू क्या खरीदेगी अपने पैसों? मैं ना अपने लिए एक डॉल हाउस लूंगी, एक शूज लूंगी और पापा को बोलूंगी थोड़े पैसे वैसे मिला दो और मेरे को बर्गर भी खिलाना। तू क्या करेगी? मैं तो सेव करूंगी। मम्मा कहती है हर फेस्टिवल एक बार आता है और कंजक वाला फेस्टिवल 2 बार आता है साल में, तो गॉड हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम डबल मनी को सेव करें। प्लीज सब्सक्राइब कर लो ना।